टाइपेंसी के बारे में रिव्यू करते हैं, जो एक्वाइटर मशीन होता है उसका प्रोपेलेंट जो है इसको कैसे चलाया जाता है, इसमें क्या क्या फंक्शन होता है, डीजल टैंक और हाइड्रोलिक वाला इंजन वाला कितना कितना लगता है, पार्ट जो होता है कौन सा पार्ट कहाँ पे है, कौन सा पार्ट क्या बोला जाता है, उसके बारे में हम लोग आपको बताएंगे। तो चलिए इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आप लोग अगर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना भूलें ना। चलिए देखते हैं हम लोग कि जैसे मशीन अभी पे यहाँ पे चल रहा है, और देखिए यहाँ पे जो रोड कटिंग का जो काम होता है, प्लेन और लेवलिंग का, वो जो लेवलिंग का काम कर रहा है सब साइड में, ताकि रोड को यहाँ पे चौड़ा किया जा सके, वो उसको देखिए चल रहा है। और इस मशीन में एक और प्रॉब्लम है, आप लोग देख रहे पा रहे होंगे कि जैसे कि यहाँ पे हमें धुआं ज़्यादा दे रहा है, लोड ले रहा है, तो लोड देने का कारण क्या है, चलिए तो हम लोग ऑपरेटर से पूछ लेंगे, ठीक है। और इसमें देखिए कहाँ पर चेन जो प्लेट है उसका किस टाइप से देखिए हल चल रहा है, ये जो है फंक्शन है आपका, है ना, केबिन का कैसे देखिए चल रहा है मशीन। यहाँ पे देखिए बुकेट का लेवलिंग कैसे खींचा जाता है, रोड वर्क में इसी तरह से काम होता है, आप लोगों को पता ही भी होगा कि देखिए कैसे काम हो रहा है, यहाँ पे काम चल रहा है। और हम लोग केबिन के अंदर में है, देखिए आपका लेबर का जो है फंक्शन है किस तरह से काम कर रहे हैं, आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ जाएगा।